जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।
बात सुने, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। मैं बहुत ठीक। सुने, मुझसे कोई डरती बढ़ती हैं आप? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपसे क्यों डरूंगी। वो जब भी मैं आपके पास आता हूँ आप इधर उधर निकल जाती हैं। एनीवे, मैं जुहेब हूँ, जरबाब का भाई। मैं जानती हूँ। ये तो कमाल हो गया कि आप मुझे जानती हैं। तो जिन्हें आप जानती हैं उनसे आप बातचीत नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब जरूरी लगता है तो बात कर लेती हूँ, वरना चुप रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसका मतलब है कि आप मुझसे बात कर रही हैं, तो मुझसे बात करना जरूरी है। मैं आपसे बात नहीं कर रही, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ। कैसे धूमधाम से मेहंदी की है, ऐसे गहमा गहमी, ऐसे मेहमान, ऐसे खाने, ऐसी मेहंदी तो मैंने कभी देखी नहीं थी। वो सब तो ठीक है अम्मा, मगर लड़के वाले कुछ बुझे बुझे लग रहे थे, तुमने कुछ और तो नहीं मांग लिया उनसे? तोहफा कर। मांगा कुछ नहीं, मुझे और जरबाब को साथ नाश्ता व देकर उनके मुंह बन गए थे बस। माँ, मुझे भी यही लग रहा था। ये भी यकीनन तुम्हारा ही मनसूबा होगा, तुमने अपनी दोस्तों से कहा होगा कि मुझे स्टेज पे ले जाना। तो गलत क्या कहा, और आजकल का फैशन है ये, दूल्हा दुल्हन साथ में नाचते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें जरा मोहतात रहना चाहिए, जरबाब के घर वाले थोड़ा मुख्तलिफ हैं, अमीर जरूर हैं मगर खानदानी हैं, सादा मिजाज के हैं। एक बार मेरी शादी हो जाने में इनके सारे पुराने ख्याल को मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। अम्मा, वो हकमहर की रकम का कुछ
तय हुआ? हाँ, मैंने जरबाब से बात की है, ज्यादा नहीं, बस 2 करोड़ का बोला है मैंने। कह रहा था रात को घर वालों से बात करूंगा फिर बताऊंगा। अम्मा, 2 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है? अरे कहाँ ज्यादा है, क्या हो गया तुझे, बावला तो नहीं हो गया? उनकी हैसियत के मुताबिक ही हक मेहर की रकम मांगी है मैंने। फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री संभाली हुई है उस लड़के ने, अपनी बेटी को उसका हक ना दिलाऊं? पागल कहेगा। वो मान गए? अरे क्यों नहीं मानेंगे, मान जाएंगे। अभी जरबाब से बात की है, जरबाब कह रहा था घर वालों से बात करेगा, मान जाएंगे। देख लेना अम्मा, कहीं ज्यादा डिमांडों में शादी ना कैंसिल कर दें वो लोग। अच्छा बोल, मुँह अच्छा नहीं तो मतलब बात ही अच्छी कर ले। कल किरण का एटीट्यूड कुछ अजीब सा नहीं था, बहुत बोल रही थी, और अच्छे घरों की लड़कियां इस तरह से डांस तो नहीं करती। ठीक कह रही हो तुम। वैसे जरबाब, तुम्हें क्या जरूरत थी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने की? तो क्या करता मुझे, अब उठाने आई थी तो क्या मना कर देता? तुम्हें कोई कहेगा कि कुएं में कूद जाओ, तुम कूद जाओगे क्या? बस भी करते हैं, नाश्ते की टेबल पे अदालत लगा लिया आपने। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। बच्चा थोड़ी ना हूं मैं भैया, बड़ा हो गया हूं मैं, सब समझ आता है मुझे। और वैसे भी जब दो नए खानदान मिलते हैं तो उनकी रिवायात को, रस्मों को समझना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। वो लोग मॉडर्न है, उनके लिए नॉर्मल है डांस करना शादी पे। बेटा, हमारे घर के भी कुछ तौर तरीके हैं, उसे अच्छी तरह इस घर के असूल और ज़वाबित समझा दो ताकि उसे एडजस्ट करने में आसानी हो। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। किरण की मॉम ने अब क्या डिमांड कर दी उन्होंने? डिमांड नहीं है, उनकी ख्वाहिश है, और मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश को पूरा करना हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर हमने उनकी ख्वाहिश पूरी न की तो वो शादी से इनकार कर देंगे। खुलकर कहो, किरण की मॉम ने हक मेहर में 2 करोड़ रुपए मांगे। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? जरबा, ये क्या कहकर चला गया और ये सब कुछ सुनकर भी आ गया? खुदाया, सुने, मैंने ऐसी कौन सी डिमांड कर दिया जो आप इतना नाराज हो रही हैं और धमकियां दे रही हैं? अपनी बेटी को उसका हक दिलवाने की तो बात की है, सिर्फ 2 करोड़ हक मेहर और चंद तोले जेवर, मैंने ऐसी कौन सी नाजायज बात की? देखिए बहन, बात 2 करोड़ या चंद जेवरात की नहीं है, बात उसूल और तरीके की है। ये मुतालबात आप पहले डिस्कस कर लेती हमसे, लेकिन अब तो कल शादी है, इतने कम वक्त में हम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? अब इतना बड़ा भी फैसला नहीं है जो आप और भाई साहब इतना परेशान हो रहे हैं। लगा दिया सब कुछ है आपके पास। अपनी बेटी को तो अच्छा खासा हक महर दिलवाया होगा आपने, लेकिन दूसरे की बेटी को हक महर देते हुए असूल याद आ रहे हैं आप लोगों को? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने अपनी बेटी का शरई हक महर बांधा था, और वैसे भी ये वक्त इन बातों पर बहस करने का नहीं है। अब देखे ना, हमने दूसरी बहू भी लेकर आनी है अपनी
अपनी दूसरी बेटी को ब्याहना भी है? देखें, सबके नसीब अलग अलग होते हैं, आप ये बहाना नहीं बना सकते। हम आपकी बेटी को बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर इस घर में लेकर आएंगे। उसे इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। यकीन करें आप हमारी बात का। और जो कुछ हमारे पास है वो हमारी बहुओं और बेटों का ही तो है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी को उसका हक मिले। जरबाब जब चाहे वो किरण को हक मेहर की रकम दे दे। मुझे तो पहले ही तश्वीश थी, इसीलिए कह रहा था कि लड़की उसके खानदान के बारे में छानबीन करने था, मगर एक तुम्हें जल्दी थी और एक तुम्हारे बेटे को। कि हम लोग कहाँ फंस गए, कि किरण जैसा अजाब कहाँ से नाजिल हो गया मेरे भाई की जिंदगी में। कैसे गिरगिट की तरह इन लोगों ने रंग बदला है। बेटा, पहली मुलाकात में तो बहुत शरीफ और खानदानी लग रहे थे, लेकिन जुहेब बिल्कुल ठीक कह रहा था उन लोगों के बारे में। बहुत समझदार है मेरा बेटा, उस औरत की असलियत पहले ही भाप गया था। काश आपके बड़े बरखुरदार भी उतने ही समझदार होते तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। हमें क्या पता था कि शादी से एक दिन पहले उन लोगों की असलियत खुल जाएगी। अब आप लोगों ने सोचा क्या है, अम्मी आपको उन्हें समझाना ही चाहिए था। बहुत समझाया था बेटा, लेकिन वो औरत अपनी जिद पर अड़ी रही। वो तो मंगनी तक तोड़ने की बात कर रही थी मुझसे। खत्म कर दो इस रिश्ते को, हमें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। जरबाब के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, कल शादी है और आज आप मंगनी तोड़ने की बातें कर रहे हैं, कमाल। फैसला हो चुका है बेटा, तुम्हारी किरण के साथ शादी नहीं हो सकती। आज वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो कल को क्या गुल खिलाएंगे। एक फैसला मेरा भी है बाबा, अगर किरण से शादी नहीं होगी तो ये फैक्ट्री, ये घर, ये सब आपको मुबारक। मैं ये सब छोड़ के चला जाऊं, सूरत देखने को तरस आएंगे आप। क्या कह रहे हो तुम जरबाब, मेरी बात सुनो। जरबाब ये क्या कहकर चला गया। मैं मान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। अरे तुम खड़ी यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जाके शादी की तैयारियां करो। कैसे कैसे? अरे बेटा, जरबाब की खुशी और अपनी इज्जत के लिए ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा।
जैसे ही करीब आए तो ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देना ताकि सब सुने। अरे तुम फिक्र ही मत करो। अरे भाई तुमने ये क्या किया? किरण के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता था। पिछले दिनों दुबई के मशहूर ताजिर ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा। अच्छा खासा अमीर कभी लड़का था और तुमने उसके बारे में सोचने तक की जहमत नहीं की। क्यों भाई, क्यों किया ऐसा? इसलिए कि मेरी बेटी को जरबाब पसंद आ गया था। अब बेटी की खुशी को भी तो देखना था ना। अच्छा तो ये लव मैरिज है? लड़का तो बहुत अच्छा है और खानदान भी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जितने अच्छे रिश्ते किरण के आए थे उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है। और वैसे भी मैंने पैसा थोड़ी देखा है, मैंने तो जरबाब की सीरत देखी है। पैसे वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन बासीरत नहीं मिलता। ठीक किया। अच्छा मैं बाकी रिश्तेदारों को देखी, उनके ससुराल वालों से अभी मुझे मिलना बाकी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। खुश लग रही है। मम्मी अपना मुंह ठीक कर ले, सब देख रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं शादी के लिए मान गई हूँ, यही बहुत है। अगर मुझे पता होता ना कि ये लोग इतने गिरे हुए लोग होंगे तो मैं जरबाब का रिश्ता कभी यहाँ ना करती। ये लोग तो फ्रॉड निकले, शादी से एक दिन पहले अपनी इन्होंने औकात दिखा दी। मम्मी जो होना था वो हो गया है, अब इन बातों का क्या फायदा? अम्मी अम्मी जरबाब भाई खुश है, हमारे लिए बहुत है। अरे वो तो पागल हो गए इस लड़की के पीछे। लड़कियां कम थी उसके लिए जो यहाँ पे रिश्ता किया उसने अपना। आप लोगों ने अच्छे से खाना खाया, कुछ और चाहिए तो बताइए। जी जितना खाना था खा लिया, थैंक यू। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने खाना खा लिया, थैंक यू। मुझे अपने कुछ रिलेटिव से मिलवाना था आपको। हिना इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी छोटी बहन है हिना और ये इसकी देवरानी। माशाल्लाह से 20 साल इन्होंने यूरोप में गुजारे हैं, अभी हाल में ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं ये लोग। मेरी बहन हुई बहुत अमीर है माशाल्लाह से, फैक्ट्रियां हैं और दुकानें भी बहुत सारी यूरोप में हैं, वहाँ से अच्छा खासा किराया आता है। और तो और इनकी बेटी की बहुत बड़े घर में शादी हुई है। अल्लाह, मैंने तो आपको अपनी बहू की भाभी से भी मिलवाना था, पूरी फैमिली के साथ रात ही इस्लामाबाद से बाहर आई है। आओ तुम लोग आओ। अभी आई बस, आप बैठिए, किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बल्कि कोल्ड ड्रिंक भिजवाती हूँ आपके लिए, लगता है प्यास लगी हुई है आपको। Thank you.
बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ब्रश कर रहा है मुझे अपनी किस्मत पे। चाहे मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों किरण रो रही है? अरे रोना तो बंद करो। मतलब एक रो रही है, अब इंसान घर में रो भी नहीं सकता सुकून से। आराम से आइस। हुआ क्या है? को नहीं पता क्या हुआ? नहीं। आपके घर वालों ने आपके सामने जो मेरे साथ सुलूक किया है, और अब आप प्रिटेंड करें कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। वेरी गुड। वो लोग नाराज हैं, वो हक महर पर नाराज है तो नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करेंगे? मुझे बताएं, आप ही बताएं, कौन करता है ऐसा सलूक घर की बड़ी बहू के साथ? सीधा गाड़ी से उतार कर कमरे में लाकर बिठा दिया, और तो और किसी ने खाने तक का नहीं पूछा मुझे। आपने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। इतने सारे मेकअप में कोई खाना कैसे खा सकता है? I know. आप एक काम कीजिए, आप ये भारी भरकम जो लहंगा है इसको चेंज कर लीजिए। रिलैक्स हो, मैं खाना लेकर आता हूँ, ठीक? ओके। आप खाना लाएंगे? सब सो गए होंगे तो मैं ले आता हूँ। कितनी जल्दी सब सो गए होंगे? इसका मतलब है कि घर में, या खुदा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में एक नौकर तक नहीं है? अपने जहेज में एक नौकर भी उठा कर ले आती। आराम से तो बात करें। आराम से क्यों बात करूं? नौकर का ही तो पूछ रही हूं। आराम से बात करें। लिसन, नौकर हैं पर वो सर्वेंट क्वार्टर में होंगे। अच्छा मैं नहीं लेके आता, मैं वो बाजी को बोलता हूँ, वो ले आती हैं। फाइजा? हाँ। खुदा के वास्ते उनका तो नाम भी मत लें आप। पूरी शादी में मजाल है जो मुझसे या मेरे घर वालों से ढंग से बात की उन्होंने। लोगों की नंदे होती हैं, उनकी नाज नखरे उठाती हैं, खिदमतें करती हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे क्या पता था मेरे ससुराल वाले ऐसे पत्थर दिल निकलेंगे। अच्छा। आपसे ना कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बैठे, ये रखे, मैं जा रही हूँ खुद ही खाना लेने, हटे यहाँ से। अच्छा रहने दे। बहुत ही खुदपरस्त और नुमाइशी लोग हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने वहां शादी करके। सही कह रही हैं अम्मी आप। और अम्मी मुझे तो उनके रिश्तेदारों को देखकर तश्वीश हो रही थी। इतने अमीर लोग और इतने कम रिश्तेदार। उनकी भाभी को देखा था, परेशान सी लग रही थी, हवाइयां ही उड़ी हुई थी उनकी। अम्मी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। भाभी की अम्मी को देख के मुझे बहुत हैरत हुई है। इतना शो ऑफ कौन करता है अम्मी? गॉड, बड़े ही अजीब लोग हैं भाई। मजाल है जो किसी ने नई बहू को खाने तक का पूछा हो। इतना भी किसी को लिहाज नहीं है कि नई नवेली दुल्हन है, कम से कम खाने का ही पूछ ले। खाने का तो पूछना होता है ना नई नवेली दुल्हन को। हाँ हाँ किरण, तुम कमरे में जाओ, भिजवा देते हैं कुछ। अरे रस्मन ही सही, कम से कम आकर पूछ तो लेते कि भाभी आपने खाना खाया है या नहीं, खाना भिजवा दे। लेकिन नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर खुद ही अपनी भूख का इंतजाम कर लेती। फ्रिज तो होगा ना इस घर में, और उसमें खाना भी होगा। वही बता दो कि फ्रिज कहाँ पे है। वहाँ है। थैंक यू। लिसन, कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा है? क्या किया है हमने? क्या किया है? अरे उसको खाने का नहीं पूछा, कोई रस्म अदाने की, उसका इस्तकबाल कैसा किया आप लोगों ने, और अब यहां बैठकर उसकी गीबतें कर रहे हैं, उसकी, उसके घर वालों। किस अंदाज से बात कर रहे हो अपनी मां से? बस सब सुन चुका हूं मैं। तुम्हारी दुल्हन का रस्मों से जी नहीं भरा अभी तक? पिछले हफ्ते से ये रस्में तो भुगत रहे हम। बताओ क्या गिले शिकवे हैं उसे हमसे? तमाम रस्में उसकी मर्जी के मुताबिक की हैं। अब और क्या चाहिए उसे कि रात के इस पहर उसने वावेला मचाया हुआ है? जाओ अपने कमरे में और समझाओ उसे।
बड़ा किचन है, पता नहीं फ्रिज मुझे लग रहा है। भाभी आप अपने बेडरूम में चली जाएं, ये आपको बेडरूम में ही मिल जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, फ्रूट्स लेकर जा रही हूँ कमरे में, जब आपसे कह दूंगी मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर लें। अच्छा कर लेना, छोड़ दो हम ले आते हैं। रहने दें, अब मुझे आदत डालनी पड़ेगी अपना काम खुद करने की। किरण तुम नई नवेली दुल्हन हो, आज ही ब्याह कर आई हो, शुक्र है कोई मुलाजिम में तुम्हें नहीं देख लिया, वरना वो क्या क्या सोचते हैं? यही सोचते ना कि नई नवेली दुल्हन का ये इस्तकबाल किया घर वालों ने। अरे बड़ी बहू इस घर की, कुछ तो लिहाज किया होता, मगर नहीं, ऐसे तो लोग घर आए मेहमान के साथ सलूक नहीं करते जैसे घर की बहू के साथ कर दिया। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।